मानवाधिकार संरक्षण जोबनेर की टीम के द्वारा मानव सेवा के साथ अब निरीह वन्य जीवों की सेवा का बीड़ा उठाया गया है। इस सेवा के अंतर्गत मानवाधिकार संरक्षण व समाज सेवियों के साथ आम जनता को लेकर उत्कृष्ट मानवता की मिसाल पेश की जा रही है। मानवाधिकार संरक्षण जोबनेर जिलाध्यक्ष धनपत दादिश के अनुसार इसके शुरुआती चरण में गोमाता व मूक वन्य प्राणियों के लिए हरे चारे व स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई है और देश में जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक कोरोना महामारी की इस दौर में ये सेवा कार्य निर्बाध और सुचारू रूप से जारी रहेगा। जानकारी के अनुसार मानव अधिकार संरक्षण ने साथ आकर न केवल राज्य में बल्कि देश भर में इस तरह का अभियान चलाया है। अध्यक्ष धनपत दादिश, पूर्व अध्यक्ष नवीन मंडल जोबनेर से, बद्री प्रसाद चौहान, श्री कृष्ण गौशाला समिति व वर्तमान पार्षद विष्णु पारिक, अध्यक्ष एससी मोर्चा भाजपा मंडल जोबनेर, विनोद आसीवाल, सुरेश प्रधान, ताराचंद सैनी, शंकरलाल आदि समाज सेवियों ने इसमें योगदान दिया है। इस सेवा कार्य के लिए मानवाधिकार संरक्षण के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष लोकेश राठौर, महासचिव शमशाद खान, सीकर जिला अध्यक्ष सुमित कुमावत व शहर अध्यक्ष विष्णु काबरा ने जोबनेर की टीम को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की है।